कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होती, एक पत्थर भी तबीयत से उछालो यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार। इस समय मैं मौजूद हूं बीरपुर प्रखंड क्षेत्र के पर्रा पंचायत के फुलकारी गांव में, और आज हम आपको मिलवाएंगे पर्रा पंचायत के फुलकारी गांव की रहने वाली एक बेटी शिवानी से, जिन्होंने जिनकी माँ और पिता की का देहांत हो गया है, और फिर भी वो अपनी लगन से आज वह बिहार पुलिस की परीक्षा में चयन हुई है। हम बात करेंगे शिवानी से। शिवानी, आज बिहार पुलिस की परीक्षा में चयनित हुए हैं, इसका श्रेय किसको सबसे पहले जाते हैं? मैं अपने दीदी को देना चाहूँ। दीदी को? अच्छा, जिसका नाम पूजा कुमारी। पहले हम 2 मंथ बेगूसराय के पढ़ने के लिए गए थे, सुनील सर के पास, मिलन चौक के पास पढ़ने गए थे 2 मंथ। इसके बाद मैं खुद अपने सेल्फ स्टडी किए थे अपने घर में। फिर इसके बाद नीट पास करके फिर इसके बाद फिजिकल था, फिर 2-3 मंथ फिजिकल था। फिर फिजिकल में सुबह सुबह रनिंग करने के लिए बीरपुर जाते थे 4 बजे सुबह में, फिर रनिंग करके पर डे जाते थे। 3 मंथ लगातार ही मैं रनिंग स्टार्ट की, फिर इसके बाद फिजिकल पास कर गई, फिर फाइनली मेरी लिस्ट में नाम आ गया। अच्छा, 4 बजे सुबह में जाना और गांव के माहौल में सड़क पर दौड़ना, कहीं किसी पर दिक्कत भी सामने करना पड़ रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं, पर डर तो लगता ही है ना। तभी हिम्मत से मैं अपना मतलब हिम्मत से ही काम करना स्टार्ट। कहाँ पर जाते थे दौड़ने के लिए फिजिकल? बीरपुर, फुलकारी से बीरपुर। कितना दूर पड़ता होगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर यहाँ से दौड़ते हुए जाते थे? हाँ। कब जाते होंगे? 4 बजे सुबह में। अच्छा, ये बिहार पुलिस बनने का सपना आपने कैसे देखा? ये मेरे मम्मी पापा का सपना था। मम्मी पापा का? हाँ। मम्मी पापा का क्या हुआ था? मेरे पापा मतलब हेड अटैक डेट कर गए थे और मम्मी एक्सीडेंट कर गए। कब की घटना थी? 30/12/2015 में पापा डेट किया, फिर 21 जून 2016 में मम्मी डेट की, 6 मंथ के अंतराल में। आपने जो है पढ़ाई लिखाई कैसे की तब? पढ़ाई मेरी दीदी खर्चा देती थी, हम इसलिए पढ़ाई स्टार्ट किए, और दीदी ही देती है। थोड़ा कोई दीदी ही करती थी? हाँ। दीदी के आपके पास ही रहते थे? दीदी कोचिंग, हाँ, पास में ही रहती है, बेगूसराय में पढ़ाती थी। और पापा डेट करने के बाद मेरे नाना जी खाना उना खर्चा उर्चा नाना ही जी देते थे। ये नानी हुए? हाँ, मेरी नानी है। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी कुमारी। कहाँ घर हुआ? फुलकारी। का नाम? बलराम ठाकुर। मम्मी का नाम मंजू देवी। छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं? हम लोगों से यही कहना चाहते हैं, जो मन में ठाने हैं वो कभी मन से नहीं हटाए, भाई कितनों कुछ कह दे, जो मन में है जो करना है वो संघर्ष करे, और मेहनत से डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। जानते हैं आपकी नतनी जो है अब बिहार पुलिस में चयन हो गया है, इसका क्या कहना चाहेंगे? आप लोग ने बहुत ज्यादा मेहनत किया इसके ऊपर। हाँ, तो इस पापा मर गलखिन तकर बाद हमें रहिए, तुम जहाँ तक चल रही बन रही तक बच्चा करिए, आ वो बहन एगो बड़ी बहन रहे रहे तो अपनों पारा मेडिकल वाला पढ़ाए पढ़लक एक पढ़ेलकै। अच्छा, दीदी इसकी सब ज्यादा इसके साथ मेहनत की? हाँ, रहबे कर, शादी ब्याह हम ही करिए। शिवानी कितनी बहन है? 3 बहन। 3 बहन? हाँ। तीनों बहन? 2 गो के शादी हो चुका, एगो कुमारी। अच्छा, यही कुमारी थी, लेकिन फिर भी जो है पढ़ाई लिखाई अच्छा से? हाँ, बेगूसराय पढ़ाई। आज बिहार पुलिस में इसका चयन हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया लड़का लड़की बढ़िया हो गए, हमारा से खुशी हो गए, मेहनत सफल हो गया। मेहनत सफल हो गया। शिवानी की बहन है, पूजा नाम है इनका, और शिवानी की पढ़ाई लिखाई की जो भी खर्चा हुआ वो सारा कुछ इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था, यही जो है बेगूसराय में रख करके शिवानी को पढ़ाई लिखाई भी। हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से आप किस परेशानी को झेलते हुए आपने शिवानी को पढ़ाया? देखिए, गांव में रहकर पढ़ना, और गांव में मतलब ससुराल भी नहीं जाते थे, यहाँ पे हम अपनी भाई बहन को देखते थे। मैं 2 भाई है और 3 बहन, सोचे हम चले जाएंगे तो समाज क्या बोलेगा, अकेले रहेगी कैसे पढ़ेगी क्या करेगी, इसीलिए हम नहीं जाकर, हम अपने खुद GNM कर चुके हैं। इस बार मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो हम भी पढ़ते थे, अपनी भाई बहन को सबको पढ़ाते थे। अच्छा, इस दौरान किस परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा? हाँ, तो बहुत समाज के आदमी बोलते थे शादी कर देने, ये कर देने, मतलब ये सब लड़की मम्मी पापा नहीं है, बहुत मतलब बहुत ही
सुनना पड़ा, बहुत ही सुनना पड़ा, तब भी नहीं। हम बोलते रहे शादी करके क्या होगा, कुछ पढ़ेगी लिखेगी कुछ बनेगी, नाम रोशन करेगी और क्या। मेरे पापा का सपना था, हम सोच ही लिए थे कि ट्वेल्थ के, हम जब मेरे पापा डेट के थे हम ट्वेल्थ पास कर चुके थे, उसके बाद हम सोच लिए हम अपनी भाई बहन को पढ़ाएंगे अच्छा से, कोई हमको नीचा नज़र से नहीं देखे। बस एक शिक्षा ही है जो बड़ा बड़ा से बड़ा बना सकता है। बस आज शिवानी इस मुकाम पर पहुँच गई है, बिहार पुलिस में इसका चयन हो गया है, आपको सबसे ज़्यादा तो आप ही को खुशी होती होगी। हाँ ये तो है, पर बहुत ही मेहनत की, 4 बजे जाती थी यहाँ से बीरपुर, अंधेरा रहता था, फिर हमको भी डर लगता था कैसे जाएगी, फिर हम सोचते थे किसी के साथ बोलेंगे जाने के लिए, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, तब भी इसको किसी के साथ नहीं जाने देते थे। मेरा भाई था एक, पर्रा छोड़ कर आ जाता था, तब उधर से वो आ जाती थी, ये भी बहुत मेहनत की फिजिकल के लिए, यहाँ से दो जाती, इसका पैर फिर डैमेज हो गया था, फिर एक मंत्र पैर ठीक करने में लगा था, बहुत मेहनत की। आज इसको सफलता मिल गई है, अब आपको भी खुशी अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा होगा कि आपका जो है कार्य, जितना इसके साथ इसके ऊपर आपने जितना मेहनत किया, मेहनत का आपको फल मिल गया। हाँ ये तो, पर हम नहीं मतलब सोचते बिहार पुलिस हुई, उसके बाद दरोगा बने, बीपीएससी कंप्लीट गए, इससे ही हम सोचते इस ये आगे बढ़ते रहे, बस मेरा यही सपना है। सपना है मतलब बीपीएससी कंप्लीट। हाँ हाँ, ये बिहार पुलिस धीरे धीरे बढ़े। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। जो है बहुत गांव समाज में लड़कियों को जो है नौकरी करने के लिए छूट नहीं मिलता है, आप उन अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो अपने गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा कैसा है, दूसरे पे ध्यान है, दूसरे क्या बोलता है, दूसरे पे जितना ध्यान दीजिएगा उतना अपना लॉस होगा, इसीलिए अपने आप पे ध्यान रखिए और अपने आप पे हमेशा अपने बारे ही सोचिए कि हमको क्या करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कि हमको दुनिया समाज क्या बोल रहा है और आगे चल के जब जॉब हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ देखिए यहाँ पर शिवानी के घर के आसपास के लोग भी यहाँ पहुँचे थे और सभी लोगों में खुशी का माहौल है कि बिना माँ बाप की बेटी आज जो है इस तरह से बिहार पुलिस की परीक्षा में चयन हुई और इतने अच्छे मुकाम पर पहुँची है, लोगों में खुशी का माहौल। क्या कहना चाहेंगे चाची आपके बगल की पड़ोस की लड़की इस तरह से? हाँ हमें खुशी चाहिए, नौकरी पाई है। हाँ नौकरी पर खुशी चाहिए, यह बेचारे कमाइयो मरले इहे खोपे से टेंशन रहे, बेटी के पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ, बड़की बेटी के फाँसे भए गेल, हिनका पर ख्याल करलक, हिनका चलती बड़की बेटियो ने शादी करे लए तैयार, हम बहिन के लाइफ बनैन पे अच्छा हम लाइफ बनेबे, मुसीबत बहुत तरह कैले ई बात नहीं छे, मगर अल्लाह छथिन से बहुत बड़ा छे, मुसीबत के झेल के लेकिन ये आगे बढ़ गेले, मुसीबत के झील के आबे रहे तो 12-1 बजे खाना पकबे रहे बच्चा, ई आर बेला खाना खाए रहे। हाँ रात भी चैन ने अभी के चैन ने पढ़ा में बच्चापन रहले तुलल। आपके गांव की लड़की इतने अच्छे परफॉर्मेंस की और बिहार, हम लोग खुशी खूब थे, ये अच्छी है लड़की भी, मेरे लड़की बेगराती में लड़की है, सो हम इसको नौकरी कुछ कोनों में हो जाए, अल्लाह चाहा तो हुआ बिहार पुलिस में, और अच्छे ढंग से बहुत झील झीली, बहुत झील, 3-4 बजे आती थी खाना बनाती थी तो खाती थी, रात में 10-11 बजे रात में अपना पढ़ लिख करके अपन तैयारी करके उसके बाद 10-9 बजे रात में खाना बना के 10-11 बजे रात तक खाना खा के तब सोती थी, उसके बाद क्या आ गया, हम लोग उधर से आवाज़ देते थे कि सोई है शिवानी, तो बोले नहीं चाची अभी हम खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं, बहुत बात की, हम लोग बहुत खुशी हैं, बिहार पुलिस अच्छा हो, इससे और ऊंचा होगी और कर सकती है। और बहन है हम उनसे भी जानेंगे, शिवानी जिस तरह से इतने दुख झेल करके आज पढ़ाई लिखाई करके आज बिहार पुलिस की सेवा में चयनित हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे शिवानी? पकड़ी। हम शिवानी के सेकेंड वाली सिस्टर है, हम शिवानी के विस्तार रूप से बताना चाह रहे हैं, शिवानी जो पढ़ाई लिखाई की इतना मेहनत की है, आज उसका सफलता तो जरूर मिला है, महिला कांस्टेबल तो बन गई है, पर शिवानी से ये हमको महत्वपूर्ण से कहना है, शिवानी जहाँ भी तुम जाओ अपने मेहनत के बल से हम लोग ऐसा आदमी को आगे का विकास बनाओ, आगे सही से उसको सूचना दो, आगे सही से उसको सब कुछ करो, ये नहीं कि सिर्फ तुम अपना ड्यूटी निभाओ बस हो गया, ऐसे नहीं करना है, जिस तरह से तुम यहाँ मेहनत करके आगे निकली है बस उसी तरह तुमको हर चीज़ को देखते हुए चलना है, सबको सही तरीका से बनाना है, सबको सही से संघर्ष करना है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम आरती कुमारी है। हमने आपको शिवानी से मिलवाया, शिवानी ने अपने माता पिता का के सपनों को पूरा किया और आज वो बिहार पुलिस में चयनित हुई है। उनके माता पिता का सपना था कि वो हमारी बेटी भी बिहार पुलिस में चयनित हो, और आज शिवानी ने वो करके दिखाया। ये कहीं ना कहीं पूरे गांव के लिए एक संदेश है, वो उन लड़कियों के लिए भी संदेश है और उन माता पिता के लिए भी संदेश है जो ये चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है शादी ब्याह करके सिर्फ ससुराल चले जाए। लेकिन ऐसा शिवानी ने एक ऐसा काम कर दिया है जो कि ये पूरे समाज के लिए एक मिसाल बनकर आज उभर रही है।